एम्बुलेंस पे ला करके अभी यहाँ पे हम लोग उतार के अंदर लेके जा रहे हैं। हाँ एक्सचेंजर टूटा गाड़ी का। अस्पताल लेके आया गया है चारों पेशेंट को और यहाँ पे जो है जितेन जितेन एक ये पेशेंट थी, इनको जो हम लोग वहाँ पे अभी एम्बुलेंस में लेकर के आए थे। इनका भी क्या लक्ष्मण आगे का चक्का टूट गया गाड़ी का। ये है मारुति लक्ष्मण, ये बता रहे आपको वैगनार आगे का एक्सल टूटा है गाड़ी का। पीछे का टूटा था। अच्छा हाँ गाड़ी उल्टा घुमा। ये जितेन बैठ बाबू कुर्सी में बैठो सर। इनका भी ये इनका तो पहले ही लग रहा था हम लोग को। चाची का थोड़ा सा चांसेस था, बुजुर्ग जो थे वो भी नहीं है। अरे पकड़े रहेगा पकड़े। चाची तुम्हारा नाम की? साइबो कलंदी। साइबो साइबो कलंदी फोन किया। इसका घर में बात कर लिया। जितेन एक और जो ये जो बुजुर्ग जो महिला है एक और, वो कौन है तुम्हारी? एक तो दादू है, दादी लगती है। तो उनका नाम क्या है? उनका नाम अभी दादी लगती है। ये तो दादू है ना तुम लोग? हाँ ये तो दादी है ना। दादू का बहन है। अच्छा इन लोग कराई के लगा नहीं सकते वसा क्या है? पानी जा रहा था। जिक पानी नहीं जाता चावल के कराई के ला जा रहा था। तुम जानता है दादी का नहीं छुट्टी है ये तो है। यहाँ पे देखिए आप जो है इनका ट्रीटमेंट हो रहा है। ये ठीक है, इनको जो है सर में चोट लगी है और बाकी दो लोगों को जो है डॉक्टर जो है उन्होंने मृत घोषित कर दिया है। दोनों को घायल भी है। हाँ दो घायल है। हो गया। दो लोग जो है यहाँ पे डेथ घोषित कर दिया गया है और यहाँ से जो है वहाँ से इनको अनुमंडल अस्पताल लेकर के आए। और आपने लाइव में देखा था, मैं खुद वहाँ पे स्पॉट गया हुआ था, वहाँ से एम्बुलेंस को लेकर के आए। और जो परिवार जो बताया जा रहा है ये चाईबासा का है, कराई केला जा रहे थे ये लोग। तो रास्ते में जो है गाड़ी का पीछे का जो चक्का है वो टूट गया था। अरे वो चाचा खुद चला रहे थे गाड़ी, उन्हीं का वैगनार था।
हाँ इन्हीं का वैगनार था, चक्का टूट गया था, सब उसी में थी। तो गाड़ी का पीछे का जो चक्का टूटा है और जो गाड़ी चला रहे थे वो चाचा खुद चला रहे थे गाड़ी, और पीछे का चक्का टूटने से ये गाड़ी जो है अनियंत्रित होकर के नीचे जो है खेत में घुसा, जिसके वजह से दो लोगों की जान चली गई है और दो लोग घायल है। गाड़ी में कुल चार लोग सवार थे, जिसमें आप देख रहे हैं कि एक बुजुर्ग जो व्यक्ति थे वही गाड़ी भी चला रहे थे, जिनको बच्चा जो है दादू बता रहा है, और उसके साथ उनकी दादी की ये बहन ये थी। अब यहाँ से दोनों को जो है डॉक्टर ने भी डेथ घोषित कर दिया है दोनों को। ये वाला पकड़ ले, चलिए दबा के रखे, नहीं हो रहा है। अब वो पकड़, अरे फंस गया था वहां पे स्ट्रेचर में, इसलिए यही गाड़ी भी यही चला रहे थे, गाड़ी यही चला रहे थे। हाँ हाँ गाड़ी का पीछे का चक्का टूटा है और उसके बाद ये दुर्घटना हुई है। वहीं पे लगा दे उसके बगल में, उसको टान करके या आगे पीछे करके लगा दो। पानी से बोल रहे हैं, चारों एक ही गाड़ी, सबका हुआ है, दो लोग डेथ हो गए। हाथ हाथ दिनेश भैया उनका हाथ ऊपर कीजिए, राइट वाला हाथ निकला हुआ बाहर। इनका ट्रीटमेंट यहाँ पे किया जा रहा है, ये ठीक है, ये बात भी कर रही है। आपका बहन का नाम की, बहन का नाम की, नाम की क्या जी? गुरुबारी देवी, गुरुबारी देवी, ओके गुरुबारी देवी ना, ठीक है। टूट गया है, बोला नहीं है, टूट गया, आइए अनुमंडल अस्पताल आइए। वही वाला सोच तो चेंज करना है, ये आदमी का ऐसे वीडियो फोटो बनाना बहुत गलत है, कहीं भी एक्सीडेंट हो, लेकिन संगीत के नाते सबसे हैंडल उठाइए। सही सही बात है, ये सरकार ने आदेश दे दिया है कि आप अगर किसी घायल को अगर हॉस्पिटल ले जाते हैं तो आप लोगों कोई केस से पूछताछ नहीं होगा, उल्टा पुरस्कार, बल्कि फरिश्ते स्कीम के तहत जो है 5,000 रुपए का भी है। बैठ के वहाँ पर खड़ा होकर आप लोग देख रहे थे, आज सही समय पर हॉस्पिटल आ रहे तो उनकी जान बच जाती। सही बात है, मैं तमाम लोगों से आप किसी भी विचारधारा के हो अनुरोध करूंगा, एज ए इंसानियत कहीं भी हो दिखाइए उसको, आप लोग कीजिए, कम से कम किसी का जिंदगी बजाय किसी का परिवार नहीं उजड़ेगा। सही बात है, इस चीज को वीडियो तो हजार बनाइएगा लेकिन किसी का जिंदगी बचाइएगा तो बहुत बड़ा चीज होगा, उसको कीजिए, ये इंसानियत हम सभी के अंदर लाना बहुत जरूरी है मेरे भाई। यही सोच को चेंज करना है, आदमी का जो सोच होता है ना, इस सोच को डेट कर जाता है। कुछ नहीं, नहीं नहीं, सिकंदर जी को मैं शुरू से देख रहा हूँ कि ये जो है खास करके उस एरिया में अगर केस होगा, आज पहला बार हुआ कि इनसे पहले हम पहुंचे, नहीं तो हमेशा ये पहले पहुंच जाते थे। और हाँ ये लोग देखे कि न्यूज में चल रहा है तो फिर ये लोग दौड़ करके आए, आपका तो बहुत एक चीज है। और लोगों से भी यही अपील है कि अगर उस एरिया में अगर आपके क्षेत्र में कहीं एक्सीडेंट होता है तो जो भी लोग हैं उन लोगों से मेरा निवेदन है
कि ऐसा नहीं है कि आपको पुलिस पकड़ेगी या फिर पुलिस आपको पूछताछ करेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है यार, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग इतना दिन से ये चीज समझाते आ रहे हैं, अगर थोड़ा सा वहां पे जो लोग खड़े हुए थे अगर पहले इन लोगों को वहां से भेज देते ना, तो शायद कुछ और हो सकता है, चांसेस रहता। पीछे का चक्का टूट के निकल गया है। हाँ देखिए ना जी, मेरा पास, हम तो गए थे वहीं पे थे हम, ये किस्मत का ही है। चक्का टूट के देखिए दिनेश भैया, देखिए चक्का टूट के फेंका गया। आज जानते हैं उस 60 साल का बुजुर्ग जो गाड़ी चलाते घंटा लेके चलते है, प्रॉब्लम तो ये भी है, ये भी एक तो सवाल है इंसान का, चक्कर का ये हाल है। नहीं हम गए थे गिरा था, नहीं हम गए थे गिरा था, हमको फोन आया हुआ एक्सीडेंट हुआ, हम पहुंचे थाना प्रभारी को फोन किए, नहीं नहीं इन लोगों को उससे पहले हो सकता है, 40 मिनट नहीं हुआ कम हुआ, कौन फोन किए थे करता हुआ लड़का सब क्या था ना, हम थाना प्रभारी को फोन किए थे, थोड़ा सा डिले हुआ है। ये देखिए आप लोगों को फिर से एक बार बताते हैं कि अभी हम चकरजापुर अनुमंडल अस्पताल में हैं और गाड़ी का जो है पीछे का एक्सेल वैगनार जो है टूट गया ठीक आपका बोर्दा पुल से आगे, और टूटने से जो है गाड़ी अनियंत्रित होकर के खेत में घुस गई, और उसके बाद गाड़ी में 4 लोग सवार थे, करीब जो 3 लोग थे वो तीनों बुजुर्ग थे, 60 साल के आसपास के थे, और एक लड़का जो है उसमें वो करीब 20-22 साल का था, जिसके वजह से 2 लोगों की जान चली गई है, और गाड़ी के एक्सीडेंट होने से 2 लोगों की जान गई है, और जिसमें से 2 लोग सुरक्षित हैं, वो लोग ठीक है, उनका जो है अनुमंडल अस्पताल में इलाज चल रहा है, ट्रीटमेंट चल रहा है उनका, जगदापुर के अनुमंडल अस्पताल में उन लोगों का इलाज चल रहा है, और यहाँ पे समाज से भी सोशल वर्कर लोग जो है यहाँ पे भी आए हुए हैं, और आने के बाद जो है मिलजुल करके सब यहाँ पे मुख्य चिकित्सक अंशुमन जी भी हैं यहाँ पे, डॉक्टर अंशुमन, ये लोग चाईबासा निवासी हैं, चाईबासा के रहने वाले, कराई केला जा रहे थे। हम लाए सिकंदर जामोद थे और उसके बाद बाकी थाना के लोग थे, पुलिस वाले थे, हम ही बताए थे सबको फोन करके थाना प्रभारी को। हाँ जैसे फोन आया हम निकले रास्ते से फोन किए, हम जान रहे ना एम्बुलेंस आने में लेट होगा और कोई उठाता नहीं है वहाँ पे, इन लोग भी आए फिर उसके बाद में। ये 2 लोग हैं यहाँ पे जो उनका डेथ हो गया है, हेलो
कोई गाड़ी भी तो कहाँ रोक रहा था, गाड़ी भी नहीं रोक रहा था देख करके। परिवार वाला गाड़ी है, पारिवारिक वाला लोग रोकता नहीं है, दिक्कत ही होता है। आप पहले पहुंच गए थे, हम देखे थे। हाँ, 40 मिनट बोला ना, 40 मिनट अंदर ड्राइव हुआ ना, पहुंचना 40 मिनट। वही दिक्कत है ना, एम्बुलेंस वाला को कॉल लग रहा है ना, पुलिस वाला को लग रहा है, किसी को लग रहा है। तो जैसे मेरे को वहां से एक आदमी फोन किया, हम पहले थाना प्रभारी को फोन किया, वो बोले एम्बुलेंस ले रहे, हम बोले ठीक है। उसके बाद हम निकले तुरंत। बुढ़िया जो थी ना, उनका थोड़ा सा पल्स चल रहा था धीरे धीरे करके। यही आप लोग से, मतलब जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं, मैं हमेशा यही कहता हूँ कि यार कुछ नहीं होगा, पुलिस आपको नहीं परेशान करेगी। ऐसा कुछ नहीं कि पुलिस परेशान करती है, ये सोच अब बदलिए। हो सकता है आज दूसरे का हुआ, कल आप उस जगह में आप भी रह सकते हैं, हम भी रह सकते हैं। तो ये ट्रेंड को अब चेंज करना होगा। लोगों को जान बचाने की कोशिश कीजिए। अगर आप जान किसी का बचाएंगे तो हो सकता है कि एक इनको यहाँ पे लाया गया है, दूसरा जो है ये लोग चाईबासा के रहने वाले हैं, कराई किला ये लोग जा रहे थे। कालिंदी टाइटल है इनका, और चलिए लाइव अब बंद करते हैं।